आपने जब सवाल पूछा कि मोदी जी सवाल नहीं पूछते, बिल्किस बानो पे नहीं बोलते, ये सवाल आपको मोदी जी से पूछना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हमारे मीडिया के सामने नहीं, नहीं कांग्रेस डरपोक है, वो डरपोक है, कायर है, रार हो तो हम ओपनली बोलते हैं, आपके माध्यम से बोल रहे हैं, आपकी चैनल के माध्यम से, द कंटाप के माध्यम से बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, नरेंद्र मोदी कायर है, वो मीडिया का सामना करने से डरते हैं। देश का संविधान आज खतरे में है। जी जनता पार्टी बोल रही है कि विकास करा, विकास कौन सा विकास करा, अगर बाप का खेत बेच के अगर बेटा जो फ्लैट लेता उसको विकास नहीं बोला जाता है। नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता को जिस तरीके से मूर्ख बनाया, जनता के बीच जा रहे, जनता का दर्द और ये समझने के बाद ये ऐसा माहौल दिख रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए जनता ही चल पड़ी है। ऑल इंडिया कांग्रेस प्रदेश सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या माहौल है अभी गुजरात का, आइए हम इनसे बात करते हैं। जो विधानसभा का इलेक्शन काफी नजदीक है, क्या कहेंगे, अभी विधानसभा का इलेक्शन इतना नजदीक है और पार्टियां आरोप लगा रही कि कांग्रेस ने करा क्या। जी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज गुजरात में ये जो आज ये दरियापुर विधानसभा मतदार क्षेत्र में हम मत विस्तार में हम लोग जब जनसंपर्क अभियान के तौर दलित अधिकार सत्याग्रह की बात को लेकर जनता के बीच जा रहे, जनता का दर्द और ये समझने के बाद ये ऐसा माहौल दिख रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए जनता ही चल पड़ी है। देश के जो हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं, मौजूदा जो हालात है देश के, इस पर आप क्या कहेंगे। मौजूदा हालात में देश के संविधान को, जो संविधान के माध्यम से आम जनता के बीच जो अधिकार मिलने चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से उन अधिकारों को छीना जा रहा है। देश का संविधान आज खतरे में है, आज लोग महंगाई का सामना कर रहे हैं, बेरोजगार युवा रोजगार के खोज में बेरोजगारी का सामना करते हुए निकल पड़े हैं। मोदी जी ने तो कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार बीजेपी सरकार जो मोदी जी ने जो कुछ भी वादे किए थे उस वादे से वो मुकर चुके हैं। आज जो भी वादे किए थे वो जुमला बनकर साबित हुए हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये माहौल आप देख रहे हो कि जिस दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में आज गयासुद्दीन शेख हमारे विधायक है, उन्होंने किस प्रकार से ये जनसंदाब यहाँ पर हम जब जनसंपर्क के लिए निकलने के बाद ये लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। अच्छा एक सवाल छोटा सी और कि मोदी जी ने कहा था कि देश में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं देश के, इस पर जो मौजूदा सरकार है वो ऐसा कहती है देश में सब कुछ सही चल रहा है, देश में कोई बेरोजगारी नहीं है और देश के युवा वगैरह भी जो सबकी सबको नौकरी वगैरह है। आप ये चित्र देख सकते हो किस प्रकार से लोग आज झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। आज आज़ादी का गौरव आज केंद्र सरकार ने मनाया, इस 75 साल के बाद भी वही गुजरात का मॉडल, जो गुजरात मॉडल की बात लेकर ये बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता को जिस तरीके से मूर्ख बनाया, आज यही गुजरात है। आज जिस हम रास्ते से जा रहे हैं ये लोग अगर गरीबी का सामना करते हुए जो भी है, आज उनको रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोजी रोटी नहीं है। मोदी जी ने कहा था 2022 तक तो हम सबको घर भी दे देंगे, खुद का घर होगा सबके पास। जी आज वही ये वादे हम लोग आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जिन्होंने 2022 तक हर एक व्यक्ति को मकान मिल जाएगा ये वादा उन्होंने किया था, आज मैं वही मोदी जी से आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि यही दरियापुर है, यही हमारा साबरमती का रिवर फ्रंट के बगल में 50-25 मीटर के अंतर पर यही बस्ती है जहां पर इन बस रहने के लिए मकान नहीं है इन लोगों को। ये चित्र अगर उनके पास आपके माध्यम से देखा है तो उन्होंने सही मायने में देश की माफ़ी मांगनी चाहिए और देश ये पद से उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। और अभी सब पार्टियां आई है कह रही हमारे को वोट दो हम विकास करेंगे, मगर बिल्किस बानो की जब बात आती है सिर्फ राहुल गांधी जी का ही एक ट्वीट आया था बिल्किस बानो के ऊपर, और सारी पार्टियां चुप क्यों, मोदी जी चुप क्यों इसके ऊपर। जी बिल्कुल बानो जी, ये हितेंद्र भाई पिछड़िया हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रमुख है गुजरात के, मैं हितेंद्र पिछड़िया बिल्किस बानो के मांग को लेकर बिल्किस बानो की केस में इन्होंने रस्ते पर आकर जो संघर्ष किया है, मैं हितेंद्र भाई पिटड़िया को बात करना चाहूँगा। हितेंद्र भाई पिटड़िया आप ही बिल्किस बानो के बारे में आप इनकी सच्चाई बता दीजिए। आपने जब सवाल पूछा कि मोदी जी सवाल नहीं पूछते, बिल्किस बानो पे नहीं बोलते, ये सवाल आपको मोदी जी से पूछना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हमारे मीडिया के सामने नहीं, कांग्रेस डरपोक है, वो डरपोक है, कायर है, रार हो तो हम ओपनली बोलते हैं, आपके माध्यम से बोल रहे हैं, आपकी चैनल के माध्यम से, द कंटाप के माध्यम से बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, नरेंद्र मोदी कायर है, वो मीडिया का सामना करने से डरते हैं यार, जबकि हमारे नेता राहुल गांधी जी है वो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, आज वो भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हर रोज़ मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। आप भी जाइए, आप जाइए कन्याकुमारी, अभी हमारी यात्रा वहाँ कर्नाटका में, आप जाइए, राहुल जी आपको इंटरव्यू देंगे, आप मोदी यहाँ आए हुए हैं, आप मोदी को मिलकर दिखाइए,
ये मोदी डरपोक है, ये बिल्कुल मीडिया का सामना नहीं करता। और जहाँ तक बात बिल्किस बानो जी की है, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बात रखी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बात रखी है, हमारे युवा नेता जिग्नेश मेवाणी जी ने राहुल गांधी जी की उपस्थिति में ये बात रखी है, हमारे प्रवक्ता नेशनल प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने ये बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट के हमारे लॉयर और राज्यसभा के मेंबर अमीबेन याग्निक ने ये बात रखी है। तो कांग्रेस पार्टी सभी समाज की बात करती है, दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की, माइनॉरिटी की, सर्व समाज की बात लेकर चलती है। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर रिवर फ्रंट है जहाँ पर नरेंद्र मोदी आते हैं, और 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर यह है झुग्गी झोगिया, यहाँ पर ना पीने का पानी आता है, ना लाइट है, ना इनके लिए रास्ते है। मोदी जी तो गुजरात मॉडल विदेशों में बताते, आओ देखो। आपके ये सवाल आपकी भूमिका पर आता है, आप ये सच्चाई दुनिया को दिखाइए कि ये गुजरात की मॉडल की सच्चाई है। गुजरात मॉडल सच्चाई दिखाने की जिम्मेदारी मीडिया की होती है, बराबर। आप ये सच्चाई दिखाइए कि गुजरात का असली मॉडल ये है। हम तो दिखाते, लोग हमको मोदी विरोधी बोलते हैं। और अभी पत्रकार का काम ये है, हमारे हम पत्रकारिता के अंदर पहला हमारा वसूल ये होता है कि जिस सरकार है, जिस हम एरिया में, जो मौजूदा सरकार है उससे सवाल करना। हम तो वही करते जनता को भी, लोग हमको बोलते आप मोदी विरोधी नहीं है। हाँ, मोदी विरोधी है तो आज सरकार मोदी की सरकार है, पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है। और यहाँ आपके हालात देख लीजिए, मुझे तो यहाँ आके आश्चर्य हुआ कि ये 27 ये विकास की मॉडल है, ये नरेंद्र मोदी का विकास है, ये गुजरात मॉडल है जहाँ पे रिवर फ्रंट, जिसको विकास मतलब डेवलप। यहाँ रिवर फ्रंट पे तो मोदी जी ने सी प्लेन चलाया है। सी प्लेन बंद हो गया भाई, सी प्लेन बंद हो गया। ये जो पुल है, यहाँ इतने ब्रिज है उस साइड से जाने के लिए, पर सभी ब्रिज फ्री है। एक पुल नया बनाया, उस पुल पर भी उन्होंने किराया रख दिया। वो पुल पर अटल ब्रिज इतना अच्छा विकास तो करे। ये अटल ब्रिज पर तो मुफ्त में कर दो भाई, ये पैसे क्यों ले रहे हो? बोले अगर हम मुफ्त कर देंगे तो लोग उसकी कदर नहीं करेंगे। कदर कैसे नहीं करेंगे भाई, कांग्रेस पार्टी ने आपके यहाँ पे जो सिंबल है ना, जो रसी दी थी ना, वो मुफ्त में दी थी। आप जो स्कूल बनाई थी ना, वो स्कूल मुफ्त में बनाई थी। जो रोड रास्ते दिया था, आरोग्य की सुविधा दी थी। अहमदाबाद की सिविल अस्पताल देख लो, वडेल साराभाई देख लो, LG हॉस्पिटल देख लो, सरदेमन हॉस्पिटल देख लो, जितनी भी अस्पताल है सब यहाँ आप चले जाओ, कांग्रेस पार्टी के समय में बनी है और मुफ्त में इलाज होता है। आप अभी यहाँ कहीं भी अस्पताल में चले जाओ, मुफ्त में इलाज नहीं होता। तो कांग्रेस पार्टी सही में 36 बिरादरी की सरकार है, और उन्हीं को आने वाले दिनों में आपको लेकर आना है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तब सही अर्थ में विकास होगा। क्या गुजरात के अंदर वाकई विकास की जरूरत? जरूरत तो जरूरत है ही ना। आप सब बोल रहे हो कि ये भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि विकास करा, विकास कौन सा विकास करा? अगर बाप का खेत बेच के अगर बेटा जो फ्लैट लेता उसको विकास नहीं बोला जाता है। ये जो विकास आपको दिख रहा है ना, ये रिवर फंड है ना, ये रिवर फंड सिर्फ ये भाजपा वाला ने बनाया है, बाकी उसका प्रोजेक्ट कांग्रेस वालों ने बनाया था। जब हमारी कांग्रेस की कॉरपोरेशन थी तब का ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने तो सिर्फ बनाया है। ये आप विकास की कौन सी विकास की बात कर रहे हो? कोरोना में कौन सा भाजपा वाला रोड पे था मेरे को बताओ? उसका उसको उसके 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 साबा से उनको दिए? या तेल का डब्बा 3000 हो गया है, तब जब 25 पैसे बढ़ते थे तब माननीय अशोक भट्टी तेल के डब्बे लेके निकलते थे, तब ये कहाँ गई है भारतीय जनता पार्टी? अब महिलाओं की सुरक्षा की बात करो, हर रोज आए दिन 10 रेप लड़कियों को थे, कहाँ लड़कियों की सुरक्षा है? अगर मोदी जी ने तो लाल किले पे खड़ों को बोला था, और नारी सम्मान, नारी को हम तो बहुत अच्छे समझते हैं, नारियों को सम्मान। हाँ तो ऐसे ही हो रहा है ना, देखो नारियों का सम्मान ऐसे ही हो रहा है, हर रात दिन लड़कियों पे रेप होते रहे। अब रेप नहीं, अब देखो तो 3-4 दिन के हो रहे है, क्या यही नारी का सम्मान है? जब भी आप नारी का सम्मान करते हो, लाल किले पे खड़े होकर नारी का सम्मान करते हो, एक जब कांग्रेस की महिला है, मैं सोनिया गांधी जी की बात कर रही हूँ, एक उनको विदेशी बोलते हैं, क्या यही सम्मान है? एक औरत अपनी शादी करके घर छोड़ के चली जाती है, ससुराल में उनको सम्मान मिलता है, तो यही मोदी का सम्मान है? तो उनको विदेशी महिला बोला जाता है, उनको आतंकवादियों के गृहों में बोला जाता है, यही सम्मान करते हैं आप बोल रहे हो? मैं मोदी जी से बोले हो सम्मान किसे? पेट्रोल पंप के जब हम जहाँ जाते हैं पेट्रोल पंप के उसका हंसता हुआ चेहरा दिखते, वो उनका चेहरा दिखता है कि भाई देख लो 100 रुपये पार पेट्रोल हो चुका है, तेल के 3000 होने आए, क्या मोदी कर रहे हो? ये आपने बनाया है मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया है, कब का बन चुका है? दिल्ली में मेट्रो कोई नई बात नहीं थी, दिल्ली में हमने बनाए थे। सरकार तो ऐसा बोलती है कि जैसे कि पब्लिक से भी हमने पूछा, उन लोग कहते हैं कि वो महंगाई बढ़ ली है तो क्या हुआ, पेट्रोल के दाम बढ़े तो क्या हुआ, लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी। कहाँ से आमदनी बढ़ी? ये सरकार ने सब प्राइवेटीकरण कर चुका है, जो प्राइवेट में नौकरियां में उन लोगों का शोषण होता है वहाँ पे, वो 10 और 15 हजार में घर चलता है, 10 और 15 हजार का सूट भी कपड़े भी नहीं पहनते, ये मोदी जी नहीं पहनते, ऐसे के भी निकलते नहीं,
वड़ाप्रधान कैसा होना चाहिए? बिल्कुल वो आम आदमी भी उनको मिल सके ऐसा होना चाहिए। जहाँ राजीव जी थे कि जहाँ भी घुस जाते थे उनको डर नहीं था, उसकी मौत हुई फिर भी आज उनका परिवार डरता नहीं है पब्लिक के बीच में जाने से। और ये कितनी सुरक्षा है। अभी कल आपने देखो रेलवे ये मेट्रो का कल आप लोगों ने लोकार्पण सभी अलग अलग जगह पर गए, उन्होंने तो दिखावा कर दिया कि एम्बुलेंस को जाने दिया। भाई आप वड़ाप्रधान ने प्रोटोकॉल में आता ही नहीं कोई एम्बुलेंस का, क्या वो मक्खी भी नहीं घुस सकती तो वो एम्बुलेंस आई कहाँ से? ये भी उनसे पूछना चाहती हूँ कि वहाँ एम्बुलेंस आई क्या, उनकी जैर सुरक्षा रहती है, वहाँ से मक्खी भी नहीं निकल सकती, रास्ते बंद कर देते कई किलोमीटर, तो फिर ये एम्बुलेंस आई कहाँ से? इनकी यही मगर मीडिया पर तो चले देखिए, मोदी जी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया अपने जेट सिक्योरिटी को हटा कर, अपने प्रोटोकॉल को छोड़कर। जब मोदी जी आते हैं ना तो ये जो गरीब बस्ती है ना वहाँ ग्रीन कपड़ा क्यों लगाते हो? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ वो ग्रीन कपड़ा क्यों लगाते हैं वो? क्योंकि उनको गरीबी नहीं हटानी है, मोदी जी को गरीबों को हटाना है, इसके लिए वो ग्रीन पर्दा लगाते। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ अगर आप सही बात कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि विकास का मॉडल करिए, आपने विकास करा वो सिर्फ गरीबों को हटाना चाहता है, गरीब खूब गरीब होने लगा है, ज्यादातर गरीब होने वो गरीब होने लगा, पैसे वाला परे मिडिल क्लास का न तो मांग सकता है न तो खा सकता है। अच्छा आप क्या बोल रहे थे, क्या मोदी जी ने तो कहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कोई किसी का ही साथ नहीं दिया न किसी का ही। आपका नाम? दिया मनीषा बहन। मनीषा बहन वो तो कहते हैं कि काम सब देश में सबको अच्छा, खाना नहीं मिलता ना पीना ही नहीं मिलता, नौकरी धंधा ही नहीं मिलता, न झोपड़े में रह भी नहीं सकते हम। तो इस बार परिवर्तन चाहती हैं आप गुजरात में? हाँ क्यों, इस बार किसकी सरकार? इस बार तो पंजे की सरकार चाहती है, इस बार पंजे की सरकार चाहती है। चलिए ये थे लोग अपने अपने और रुझान देने वाले लोगों ने जो है कहा अपनी जो दिल की बात थी जो हमारे सामने रखी सरकार के सामने रखी, हम चैनल के माध्यम से सरकार और देश के सामने रखते हैं। देखते रहिए डेक अंटाप, मैं मोहम्मद नाजी पठान, आप देख रहे हैं डेक अंटाप अहमदाबाद।